एवरीवन, दिस इज श्रुति झा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सैटरडे है, मेरा हाफ डे होता है। मैं थोड़ी देर काम करूंगी, उसके बाद मैं अभी कुछ देर में लॉग आउट करूंगी। और आज एक और दिन है, आज गणेश चतुर्थी है और एक और फेस्टिवल है जहाँ पे, जिस फेस्टिवल में हम लोग चंद्रमा जी की पूजा करते हैं। जी, ये हमारा एक कस्टम है, हमारा एक ट्रेडिशन है, तो ये पूजा हमारे यहाँ होती है। और आज दो पूजा है, गणेश चतुर्थी भी आज से स्टार्ट है और मैं गणेश चतुर्थी मनाती हूँ। मैं पिछले साल से मनाती हूँ क्योंकि जो गणपति जी हैं वो हमारे लिए बहुत लकी हैं, तो जब भी वो आते हैं हमारे घर तो सब कुछ काफ़ी अच्छा अच्छा होता है, तो इसीलिए हम मनाते हैं। और लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छे से मनाया था। और आज मैंने सोचा कि आज मैं जो ये, इसलिए ही मैं ये वीडियो बनाऊंगी और इस वीडियो में मैं वही करूंगी जो आज मैं पूरे दिन करने वाली हूँ। तो दोस्तों, गणपति जी के लिए मैं कल आधे घंटे के लिए मार्केट गई थी, तो वहाँ से मुझे गणेश जी की मूर्ति लानी थी और भी एक दो छोटे मोटे काम थे मम्मी को करने थे। तो मैं कल मार्केट जो गई थी, पहले मैं उसका भी वीडियो मैंने शूट किया था, तो मैं पहले वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद आज का तो वीडियो शुरू ही हो गया है और फिर आज मैं जो जो करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं। तो मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, जो भी मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत खरीदनी है वो मैं खरीदूंगी और थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। रिक्शे में बैठना बहुत अच्छा लगता है ना। ये देखिए, ये रास्ता भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी सा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और मास्क पहन लेती हूँ मैं। उस टाइम गणपति जी के लिए माला भूल गई थी, तो मैं वही लाने जा रही हूँ। ये वाला जो लगा हुआ है, हाँ, कितने का है ये? और यहाँ से हमें कुछ लेने थे मिट्टी के बर्तन, तो इसलिए हम इनकी शॉप पे जा रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी देखिए ले रही है मिट्टी के बर्तन, तो हम वही लेने यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि गणपत जी को पान भी चढ़ता है, पान चढ़े फूल चढ़े, तो हम यही पान लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो और आप देख सकते हैं पूरा मार्केट का हाल। ये मतलब एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। और यहाँ पे मैं उस टाइम किसी राशन की शॉप पे खड़ी थी, इसलिए इतना सारा मिर्चा दिख रहा है, मेरी आँख में बहुत ज़्यादा लग रहा था। आप देख सकते हैं, और ये देखिए ये अब मैं घर आ गई हूँ बाजार से घूम घाम के, तो मैं आ गई हूँ और हाथ में भी अच्छे से धुल लिया है। थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, थोड़ा सा बैठ गई हूँ, तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और ये अब मैं लाइटिंग वगैरह जो भी मेरा डेकोरेशन है वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब आप सुनिए, उनकी पूजा करेंगे, तो वही मैं सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ, थोड़ा अच्छा सा अगर डेकोरेट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा ना।
तो ये देखिए मैंने कुछ सारे सामान निकाले हैं। कौन? मम्मी आइए। खैर मम्मी नहीं आ रही, झांक के चली गई। ये देखिए मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो ये मैंने लिया है, बहुत ही सुंदर है, तो मैं इसको लगाऊंगी, जैसे भी लगा सकते हैं एडजस्ट करूंगी। और ये कागज लिया मैंने, जहाँ पे भी जो भी यूज होगा। और ये लिया है इसका भी, ये तो मैंने नया खरीदा है, देखते क्या यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने सोचा कि अगर कुछ लाइटिंग वगैरह करेंगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मेरे घर में पुराने कुछ लाइट्स पड़े हुए थे, देखते पूरा बंच ऑफ द लाइट्स है इसमें, खूब सारे लाइट्स भरे हुए हैं, तो मैं अभी लगा लगा के चेक करी थी कि ये वाला अच्छा है ये, या कौन सा अच्छा है, कैसा अच्छा है, तो वो मुझे भी एक एक करके लगा के चेक करना है, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि इसमें बहुत सारे खराब भी है, तो मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा वाला बिल्कुल सही है। तो ये वाला थोड़ा नया लग रहा है, ब्लू कलर का है, तो मैं एक बार चेक करती हूँ इसको। ये एक मिनट, अभी मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन वाला पार्ट कर लिया है मंदिर को, थोड़ा लाइट्स वगैरह लगा लिया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और बीच में मैं किचन में भी चलती हूँ थोड़ा बहुत, मम्मी ने भी प्रसाद प्रसाद बनाना शुरू किया है, तो वो भी मैं आपको बीच में थोड़ा दिखाती हूँ। अभी साफ कर रहे हैं। इसलिए ढक्कन देखा नहीं है, कुछ ये हमारे बाहर में चाहे। अरे विक्सी के ढक्कन भूले होने नहीं ना। नहीं मम्मी। तो हटो छोटी जो। इतने अच्छे लगने चाहिए, पिसना रही है घर में यार। और जाय ओ मणि अपन बालक के खिलौना के रूप में दो दिल के इम्हर शिकार तथा अपन नगर जहन घूम कर अयला तर लोग किछ दिनक बाद कहे लगलन जे पापी कृष्ण रत्नक लोभे अपन मित्र के मार दिलक। ई बात जहन कृष्ण के कान में पड़लन तो बड़ा दुखी भेला। एक दिन ओ अनेको अनेको पुरवासी के संग लय प्रसेन जी के खोज में जंगल गेला, ओतो ओ देखलन जे चलू छोड़ दिए तुम। हाँ लोग संकल्प कर भी ना। असलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय गणराज विद्या संदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता जय देव। असलिए गुड़ लड्डू साई उठा